सांगढ़ की तारीख में पहली बार सरकारी सत्ता पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद जिन्नाह की सालगिरह की तकरीब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में मनाएगी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ निसार अहमद मेमन, जिला काउंसिल के चेयरमैन खादम हुसैन, एमएनए नवी डेरून मशूक चांडू, जमालदीन नारायण समेत पीपल्स पार्टी के तमाम तालकों के सदूर जनरल सेक्रेटरी फंक्शन मुस्लिम लीग व पीपल्स पार्टी के मेम्बरान ने जिला काउंसिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मलक शेर मोहम्मद हाजी यामीन समेत खवातीन व मौजूदीन शहर ने तकरीब में शिरकत की। आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद तकरीब में मौजूद मेहमानों ने मुख्तसर तौर पर कायद अजम अहमद जिन्नाह के हालात पर जिंदगी पर पाकिस्तान के मिशन पर रोशनी डाली। आखिर में 143वीं बदनी केक भी काटा गया। अलग मुल्क हुए उन अलग मुल्क लाए जो बिन स्टेट जो बिन स्टेट की गाल तो मुसलमान की रहनी कहनी अलग है, मुसलमान जो रीति रस्मों अलग है, मुसलमान गऊ जो गोश्त था खाए, हिंदू गऊ के गोश्त की पूजा था कर, गऊ की पूजा था कर, इन कर हजारे साल गड रही कर एक नी सी इन कर अलग रियासतों का एक मानू का पुछो तो भाई तुम 1940 में कड़ी तकर बुध आए चीस कादेजन की तकर लाहौर में बुध आया भला समझी ची न समझा कादेज वगे तो ये समझी चीज मैं नहीं समझता कि ये जो बोल रहा है आपको पता क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है हम के लिए बोल रहा है, हम नहीं समझ रहे क्या बोल रहा है, ये हमारे लिए बातें कर रहा है, मुझे नहीं पता कादेजन क्या बोल रहा है, बस ये है कि ये हमारे लिए बातें कर रहा है। एक ये पठान जो अल्फाज हुआ उन्हें टूटी फूटी उर्दू जो अल्फाज हुआ वो लीडर हो जैसे ाली तो बिल्कुल खामोशी तैयार थी मू न समझा तो उनकी उनकी जिस हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे मुस्लिम हमारे कायद कायद आजम मोहम्मद अली जना, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम इस किस्म के उनके दिन मनाएं, ये हमारी ज़रूरत है कि हम 14 अगस्त को या 25 दिसंबर को या सही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो हम दिन मनाते हैं अभी 27 दिसंबर आ रही है, ये उन लीडरान की उन अजीम शख्सियतों की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है कि हम उनसे इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए हम उनको याद करें, उनको खराज हकीकत पेश करें। लाल कंजा सदर साहिबान जनरल सेक्रेटरी साहिबान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिबान असाजा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा मेंबर साहिबान काउंसिल जा असाजा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान असाजा असाजो अदियों असाजा मीडिया जा दोस्त मुझा शहरी वर्कर सभी के कायद आजम की सालगिरह मुबारक हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब का पेड़ी तो नवी देरो साहब डीसी साहब तमाम गाल बुधाए पाया कायद आजम साहब के बारे में तो मुल्क अगे गुलामी में आसूँ इंडिया में तो कायद आजम साहब इन मुल्क के आज़ाद करायो मुसलमान के आज़ाद करायो जी तो अगे दोस्त बुधायो तो कायद आजम सभी जो लीडर हो, हिंदू जो लीडर भी हो, मुसलमान जो लीडर भी हो, ईसाइन जो लीडर भी हो, सो उन जदोजहद करे मुल्क के आज़ाद करायो अलग मुल्क पाकिस्तान ठायो, पर कुछ कुवतू अड़ी हूँ जो उनके शायद उन खुश को हले तो जैसे वो बीमार थे तो वो गाड़ी पुरानी एम्बुलेंस में खयों जैमें अध लीटर पेट्रोल विझी आई रोड से ही कायद आजम को मारे छो। सो ये कुछ हुई कूतू अड़ू जिन माना था उनके सो अस अज कायद आजम के सालगिरह दिन से उनके मुबारकबाद पेश क्यों था। कायद आजम साहब का पो असो अवामी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आया जे इन मुल्क की वाकू संभालू जी सियासतूँ पाँ ड्राइंग रूम में थी बेडरूम में उर कड़ी आया रोडन से रस्तन से चौकन से आवाम फैसला क्या तवा ही फैसला क्या तवा ही आवाम में ही इतने मेंबर चूंडिया वह उन मुल्क ला स्टील मिल पो 90,000 केटी छाया भुट्टे साहब जमीन एटम बम उन्होंने मुल्क के। सो इंशाल्लाह असा ये दुआ है पो कायद आजम साहब ला भुट्टे साहब ला मोहतरमा शहीद रान मोहतरमा बेनजी भुट्टो साहेब साहिबा ला जरूरत समर की है कि पाकिस्तान के तमाम कौमी हीरोज और कौमी त्यौहार की तकरीबात को धूमधाम से बनाया जाए ताकि नौजवानों में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा व जोश पैदा हो। कैमरा मैन अजीज़ अहमद खान के साथ सांगढ़ से इशफाक सुलेहरी।